धनंजय हियर एंड गुड टू बी बैक ऑन द वेबिनार। हम इसमें ये बताने वाले हैं कि आप एक अच्छा डॉक्टर कैसे बन सकते हो, डॉक्टर बनने के ऑप्शंस क्या क्या हैं, उसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं, और एक्चुअली डॉक्टर मतलब MBBS या राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको क्या बनना है। सो गाइज लेट्स बिगिन नाउ, व्हाट इज नीड, वो सब समझ लिया हमने 11 प्लस 12वीं में पढ़ाई करके, हम ऊपर से 4-5 महीना और एक्स्ट्रा मिल गया, सब पढ़ाई कर लिया और नीट का तैयारी कर लिया, ठीक है। करीब 16 लाख स्टूडेंट्स ने तैयारी की थी और फाइनली 35,000 सीट के लिए मारामारी चल रही है। सो बेसिकली रेशियो ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि ऐसे अगर आप 50 लोगों की लाइन लगेगी ना तो 49 स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, एक स्टूडेंट को मिलेगा। ये वो वाली क्यू लगी हुई है MBBS की एक सीट के लिए, ठीक है ना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गेट, बट ऑल ऑफ यू हैव बीन यू नो ट्राइंग योर बेस्ट, अपीयर फॉर नीट, पेशेंस रखा, मेहनत किया, 2-2.5 साल तक तैयारी की। कई लोग रिपीट भी करेंगे, अपने सपने को छोड़ने वाले नहीं है, सभी डॉक्टर बनने के चक्कर में है, करेक्ट है। बट इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज जिसके लिए आप कर रहे हो उसका एक्चुअल सक्सेस रेशियो समझना पड़ेगा, ताकि आज नीट होने के बाद में आपके पास जो 6 रास्ते हैं वो 6 रास्तों के लिए आपका क्लैरिटी होना चाहिए। व्हाट इज द रोड मैप विच इज मेड फॉर यू, व्हाट सूट्स यू द मोस्ट, यू कैन एक्चुअली थिंक योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट सूट्स यू द मोस्ट। गवर्नमेंट कॉलेजेस वुड सूट यू द मोस्ट, बट आर यू गेटिंग 560 इन नीट, दैट इज द क्वेश्चन। जनरली 560 ऑन एन एवरेज पकड़ के चलते हैं, हर स्टेट का अलग कट ऑफ है। 35-37 हज़ार जो सीटें हैं इसमें भी आपको पता है आधे ओपन आधे रिजर्व्ड है, मतलब देर आर हार्डली एनी सक्सेस रेशियो दैट यू आर गोइंग टू फाइंड। सो पहला टॉप ऑफ द टॉप मेरिट में जो 2.2% रहेंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, इसका मतलब है 98% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट कॉलेज। पर हर स्टूडेंट का सपना यही रहता है, प्लान ए यही रहता है, करेक्ट है। सो गाइज लेट्स अंडरस्टैंड क्या ऑप्शंस हैं, क्या डिफिकल्टीज है, क्यों डिफिकल्टी है और कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। ये सेशन उसी के ऊपर है, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज का वो बहुत ही कम परसेंट है, प्राइवेट कॉलेजेस आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। MBBS इज गोइंग टू बी नो लेस देन 60 लाख ऑन एन एवरेज। अगर PG करना होगा तो कम से कम आपको 1.5 करोड़ रुपया और चाहिए। आपको पहले अपना तय करना पड़ेगा कि मुझे बनना क्या है, क्या मुझे MBBS बनना है या मुझे PG तक जाना है। ये टारगेट जब तक तैयार नहीं रखोगे अपने दिमाग में तब तक सही रास्ते पे नहीं चलोगे। सो गाइज लेट मी आस्क यू एंड यू नीड टू आंसर दिस टू योर ओन सेल्फ, व्हाट एग्जैक्टली इज योर टारगेट एंड डू यू वॉन्ट टू प्लान योर करियर ओनली अप टू MBBS? Or you want to plan it right up to post-graduation? You want to become a specialist? You want to become a cardio, neuro? You want to become a surgeon? You want to become pediatric, oncologist, anesthesiologist? Yeah, sirf MBBS, normal, ek general practitioner, choti si ek clinic khol ke ghar ke baju mein mast mein rahunga sir, mujhe tension nahi chahiye life mein. Sab tarike ke log hote hain. Guys, if you are passionate and you want to become, you have it inside you, the fire is there, you are going to go right up to the PG. There are some people who are just सर मुझे वही रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे वही करियर चाहिए, मेरा इंक्लिनेशन बायो पे है, MBBS करके शांति से जिंदगी निकालना चाहता हूँ। ऑल टाइप ऑफ पीपल आर देयर, ओके। सो लेट्स सी दिस, हाउ मेनी पीपल वांट व्हाट। 69% ऑफ द पीपल सेज सर करियर PG तक प्लान करनी है, बनना है स्पेशलिस्ट, अगर मेरे में ताकत है और मेरे को सही रास्ता दिख जाए तो I don't want to compromise and become only MBBS. India एक ऐसा कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए MBBS के बाद में आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। इन अ डेवलप्ड कंट्री यू एक्चुअली डोंट गेट एनी लाइसेंस बिफोर पोस्ट ग्रेजुएशन, लाइक US, लाइक जर्मनी, यू कैनॉट प्रैक्टिस, रिमेंबर दिस, ओके। 23% says, सर MBBS ही चल जाएगा, लाइसेंस मिल गया बस है, आराम से जिंदगी निकालूंगा। 8% बोल रहे हैं सर समझाओ कनेक्शन क्या है, अभी मैं 12वीं में हूँ, अभी से क्यों करियर प्लान करूं इतनी बड़ी जर्नी का,
अभी तो एमबीबीएस करूंगा, फिर पीजी में जाना है, तो ये तो अभी तो यहाँ पे हो, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आप बोल रहे हो यहाँ तक की प्लानिंग करो, ये बहुत लंबा नहीं लग रहा है? तो वो उतने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, 8% ऑफ द स्टूडेंट्स के सर ये इतना लंबा मुझे आई एम नॉट अवेयर व्हाई यू नीड टू प्लान। सो गाइस, अगर 69% को यहाँ पे जाना है तो पहला ये रास्ता समझ लो कि या तो गवर्नमेंट में से कर लो या तो फिर इसको निकाल दो। इसका जो पीजी है वो 1.5 करोड़ रुपया एंट्री फीस है, ठीक है? जिसको एमबीबीएस ही करना है उसको 50-60 लाख रुपया मिनिमम लगेगा, 60-70 लाख रुपया तक जाता है, इवन सम ऑफ द महाराष्ट्र में नवी मुंबई में 1 करोड़ रुपया जाता है। सो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव कोर्सेस। प्लान बी ऐसा है कि यार मेरे पास मेरिट भी नहीं है 560 का, और मेरे पास मनी भी नहीं है सर 60-70 लाख, मेरे पास 3-4 लाख रुपया है मुश्किल से है 1 साल में खर्चा, वो भी लोन भी नहीं है सब करके मैं हूंगा, तो उनके लिए प्लान बी है अब्रॉड का, ठीक है? वो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरे आपको सिर्फ नीट को क्वालिफाई करना है। इफ यू जस्ट क्वालिफाई दिस नीट एट यू नो एक्सपेक्टेड मार्क्स शुड बी 150 अराउंड दिस ईयर बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी ऑफ द पेपर, आई थिंक एवरीबडी हु क्वालिफाइज कैन बिकम अ डॉक्टर, बिकॉज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज गिवन 3 चांसेस टू बिकम, 3 ऑप्शंस टू बिकम अ डॉक्टर। फर्स्ट इज गवर्नमेंट, सेकेंड इज प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एंड थर्ड इज एमबीबीएस अब्रॉड। सो लेट्स अंडरस्टैंड, मेरे पास जो 6 रास्ते हैं आज की तारीख में, उसमें से पहला रास्ता इंडिया का गवर्नमेंट कॉलेज है, दूसरा रास्ता अब्रॉड का है। मैंने सुना है स्टूडेंट्स जाते हैं रशिया, जाते हैं यूक्रेन, जाते हैं यहाँ वहाँ, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ यूट्यूब पे, एजेंट आते हैं सब, मैंने सब देख लिया है। तीसरा रास्ता भी है सभी लोगों के पास, वो ये है, और वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज की तारीख में ये चूज कर रहे हैं, ये और ये। प्लान सी सभी स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें इंडिया प्लस अब्रॉड का प्रोग्राम है, आधा इंडिया में आधा अब्रॉड में। बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यू नो, बिकॉज ऑफ नॉन श्योरिटी ऑफ टेकिंग अप द नीट, नीट बहुत लेट हो गया, तो अभी सर क्या करें, मई दूसरे अगले साल का मई आ जाएगा नजदीक में, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है यार। एमबीबीएस चालू कर सकते हो इंडिया में, जिसको बोलते हैं कॉम्बो। 3 ऑप्शन है आई ए और सी, हम लोग तीनों के बारे में पूरी जानकारी अगर ले लें, अगले 45 मिनट्स बाकी है मेरे पास। In that 45 minutes, if you come to know about A, B and C, all three plans, I think you will be in a much better position to become a doctor right up to post graduation. Correct है? Guys, एक बात बताता हूं मैं, चौथा और पांचवा बताना भूल गया। जो पांचवा है वो रिपीटर है, करीब करीब 20% स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं, बट दे 200 वाला भी रिपीट करता है, 250 वाला भी रिपीट करता है, 150 वाला भी रिपीट करता है। मत करो यार, साल बर्बाद मत करो। कोचिंग क्लास वाले आपसे पैसा निकालवाने के लिए, दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू मेक श्योर दैट यू रिपीट, सो दैट दे कैन टेक मनी आउट ऑफ यू। ये हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, या तो क्योंकि इस साल बहुत सारे 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दी, प्लस सभी को फिजिकल कोचिंग नहीं मिला, वो बहाना मिला, तो अब दोबारा रिपीट करेंगे। 20-25 लाख से कम स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर अप्लाई नहीं करने वाले नीट के लिए, आप देख लेना। इस साल के बहुत सारे लोग रिपीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 20 से 22 लाख लोग फिर कॉम्पिटिशन में आएंगे। यही कॉम्पिटिशन बहुत है और इसमें डबल होने वाला है। सो गाइज, रिपीटर्स अगर आप 480-500 के नजदीक हो तो आप रिपीट कर सकते हो, साल बचा सकते हो, यू नो साल डाल सकते हो, वर्थ होगा। If you are not above 500 in open general category, I think you should avoid repeating. Or BAMS or dentistry or homeopathy, guys, the same cost, अगर आप गवर्नमेंट में कर रहे हो ठीक है, पर प्राइवेट में कर रहे हो तो उतनी ही कॉस्ट में आप एमबीबीएस बन सकते हो। सो कोई कंपेरिजन नहीं है दोनों के बीच में, अगर आप BAMS बन रहे हो या ये। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, अब जो स्लाइड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं इसके चेंज जो हो गए हैं रूल में, और ये स्लाइड आपकी जर्नी को बहुत ही डिफरेंट मोड पे लेके आएगा। 2018 में रूल था कि अगर आप एमबीबीएस इंडिया से करते हो, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, या तो फिर
डीम्ड यूनिवर्सिटी से, तो यू विल गेट अ लाइसेंस डायरेक्टली एंड यू कैन प्रैक्टिस इट. इफ यू डू इट फ्रॉम अब्रॉड और इफ यू डू इट फ्रॉम कॉम्बो, यू विल हैव टू पास थ्रू वन एग्जामिनेशन कॉल्ड FMG. आई होप यू नो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड अ लाइसेंस फॉर अ डॉक्टर. आपको MBBS का डिग्री मिलेगा, दैट डजंट मीन यू कैन प्रैक्टिस. ये चीज याद रखना, इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस यू विल नीड द लाइसेंस जो अपना डॉक्टर के कैबिन के बाहर लटका रहता है ना फ्रेम, उसके अंदर लाइसेंस का कॉपी रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है. दैट्स व्हाट पीपल गेट, द डॉक्टर्स गेट. सो ओनली आफ्टर यू गेट अ लाइसेंस एंड अ रजिस्ट्रेशन नंबर, देन ओनली यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू गेट अ जॉब, यू कैन वर्क इन अ हॉस्पिटल और ओपन योर क्लिनिक. सो गाइज, अल्टीमेट शुरुआत आपकी यहां से होती है. ये कब मिलेगा? जब आप एग्जाम दोगे, अगर आप फॉरेन से आए. सो दोनों के बीच में फर्क रखा था, इसलिए किसी ने पूछा मुझे अभी सवाल में कि सर वैल्यूज की फर्क क्या है, इंडिया की डिग्री की वैल्यू और फॉरेन की डिग्री की वैल्यू में फर्क रहेगा क्या, लोग पीपल विल व्यू इट डिफरेंटली और व्हाट. गाइस, 15,000 स्टूडेंट अभी अब्रॉड जा रहे हैं ऑन अ ईयरली बेसिस इन डिफरेंट कंट्रीज, ओनली फॉर MBBS आई एम सेइंग, ओके, इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज. और ऐसा अभी नया नहीं रह गया है, MBBS का डिग्री चाहे अभी आप 2019 के बाद में इंडिया से करो या अब्रॉड से करो या कॉम्बो में करो, तीनों रास्ते से कहां से भी करो, एवरीबडी हैज टू गिव वन कॉमन एग्जामिनेशन, नेशनल एग्जिट टेस्ट. पहले ये एग्जाम सिर्फ FMG जो था वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन से आते थे तो ही देना था, इंडियन को नहीं देना था. सीधा मेडिकल काउंसिल को लिखो, डिग्री सबमिट करो और लाइसेंस पालो. अब वैसा नहीं है, सभी बच्चे को नेशनल एग्जिट टेस्ट लाइसेंस एग्जाम देना है. क्वालिफाई करोगे तो प्रैक्टिस करोगे, मेरिट में आओगे तो PG का सीट पाओगे. अब जितने लोगों ने 69% ने बोला मुझे अभी PG का करियर प्लानिंग करना है, गाइज दिस इज वेयर यू वॉन्ट टू बी. That means you will have to be on the merit of an examination which will be conducted at the end of your MBBS degree. Iska matlab hai, is exam ka tayyari aapko MBBS ke dauran karna padega. Agar aap tayyari nahi kiya, for example, isko hide kar dete hai, to kya hoga? Aap yahan se ye qualify karne ke liye koshish karoge, tayyari nahi kiya aapne, fail ho gaye, to ye aapka ye niklega, ghar pe baitho, stay at home. You cannot work. Without a license, you cannot work. You have no choice but to qualify. Not qualified, नहीं चलेगा. Stay at home. डॉक्टर बन के डिग्री लेके पैसा खर्चा करके 18 से 23 साल की प्राइम एज अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, पूरा लाइफ में इन्वेस्ट कर दिया आपने पढ़ाई में, और उसके बाद में यू cannot stay at home. You have been learning all 19 subjects. It means जैसे मैंने आपने 11th और 12th में नीट की एंट्रेंस के लिए तैयारी की थी, वैसे ही MBBS के दौरान आपको नेक्स्ट की नेशनल एग्जिट टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी. आप बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं था हमको, हमने सोचा लाइफ की लास्ट एग्जाम है, वैसे तो एग्जाम दी थी मैंने कि बस ये हो जाए, मतलब इसके बाद में कुछ करना ही नहीं लाइफ में मुझे. ये तो एक्चुअली गाइस दिस इज जस्ट एन एंट्री एग्जाम, अब तो एग्जिट एग्जाम आएगी, ये इसका भी बाप है. क्यों? क्योंकि एक एनेटॉमी सब्जेक्ट इसका जो पोर्शन है वो आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बॉटनी प्लस जूओ चारों मिला के एक ही सब्जेक्ट का पोर्शन है, और ऐसे 19 सब्जेक्ट्स हैं, 5 साल में खत्म करना है और पांचों की एक साथ में एग्जाम होगी. आई होप पिक्चर बहुत क्लियर हो रहा है. आपको पहुंचना है यहाँ पे और पास करना है इस यहां के थ्रू, तो क्यों ना हम लोग MBBS के दौरान पहले दिन से, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉम्बो का प्रोग्राम ले रहे हो, मोक्ष के सारे बच्चे पहले दिन से क्वालिफाई एग्जाम, लाइसेंस एग्जाम या PG की एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी. दिस इज द सेम एग्जाम वेदर यू आर इन अब्रॉड, इट हैज बिकम FMG हैज बिकम नेक्स्ट, नीट PG हैज आल्सो बिकम नेक्स्ट बिकॉज दिस इज एन एंट्रेंस एग्जाम टू द PG एंड इवन द सेम एग्जाम फॉर द इंडिया. एक साथ में पूरा जो भी डॉक्टर बनता होगा सभी एक ही साथ में एग्जाम पे बैठने वाले. आप बोलोगे सर ये पता कैसे चलता है आपको? गाइस रिसर्च करोगे करियर दिखना चालू होगी, अगर नहीं करोगे अंधेरे में बैठने वाले हो. मेडिसिन का बहुत सिंपल है, ये जो पूरा जो
ये अगला एक घंटा जो आधा घंटा जो निकला मेरे साथ में आपका, उसमें आपको फेयर आइडिया आ जाएगा कि आगे क्या आने वाला है और आपकी तैयारी क्या करनी है। नेशनल मेडिकल कमीशन का बिल है 2019 का, वो पढ़ो और पढ़ने के बाद में यू कम टू अ कंक्लूजन व्हाट शुड बी योर मोस्ट प्रायोरिटी, बिगेस्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग योर एमबीबीएस मैच। जैसे कि यूएस में जाना है मुझे, तो यही सिस्टम थी यूएसएमएलई पास होने की, ठीक है। जैसे कि मुझे जर्मनी में जाना था, तो यही सिस्टम है एफएसपी पास होने की। अब इंडिया में भी पढ़ने वाले स्टूडेंट को नेक्स्ट पास करना पड़ेगा। की प्रोविजन ऑफ द बिल एम्स टू ब्रिंग इन यूनिफॉर्मिटी, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, अब्रॉड में पढ़ो, कॉम्बो में पढ़ो, सभी कॉमन रहेगा। कॉमन फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम फॉर एवरीबॉडी टू बी कॉल्ड एज नेशनल एग्जिट टेस्ट, और इससे दो चीजें होंगी, एडमिशन टू पीजी एंड ऑब्टेनिंग अ प्रैक्टिस लाइसेंस। चाहे आप फॉरेन से कर रहे हो, सेम चीज, फाइनल ईयर एमबीबीएस एग्जाम विल एक्ट लाइक एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम एफआर। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि अब लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी लाइसेंस एग्जाम हो गई है। पूरे करियर का सेंटर पॉइंट अब लाइसेंस एग्जाम हो गया है। अगर मैं सिर्फ डिग्री के पीछे पढ़ूंगा तो कोई फायदा नहीं है। गाइज आई हैव अ क्वेश्चन व्हिच आई हैव आस्क्ड यू एवरीबॉडी, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक यू फील दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग योर एमबीबीएस। हमारे वेबिनार पे ऐसे बहुत सारे एजेंट आते हैं, हम तो एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, हम अंधाधुंध सबको एडवाइस दे रहे हैं, भैया जो करो करियर में जो भी करो वो प्लानिंग के साथ में करो, सही तरीके से करो, फालतूगिरी में अपना करियर बर्बाद मत करो, सीरियस हो जाओ। मेडिसिन का करियर है, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, लैंग्वेज लर्निंग, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ये मेडिसिन है। यू आर अबाउट, यू नो इट इज वन ऑफ द क्वाइट डिफिकल्ट कोर्स है। 92% ऑफ द स्टूडेंट से सर फंडा क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंटर पॉइंट है मेरी करियर का, और उसके ऊपर अटैक मैं करूंगा तो ही मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो बनूंगा नहीं। और डॉक्टर डॉक्टर बनना है मतलब पीजी तक जाना है, वही एक एग्जाम से मुझे लाइसेंस मिलने वाला है, तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, बिना लाइसेंस का तो घर में नहीं बैठना। और अगर पढ़ाई करनी ही है तो मैं क्यों ना अच्छी तरह करूं ताकि मैं पीजी की सीट भी उसी एग्जाम से ले लूं। ये 2% लोग जो है आपको दिख रहे हैं नॉट इम्पोर्टेंट वाले, ये हमारे एजेंट हैं, ये एजेंट बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है आपको, आपको थोड़ी लाइसेंस चाहिए, आपको डिग्री मिल गई, व्हाइट कोट पहन के निकल जाना घर के बाहर, आप समझ रहे हैं अभी। सो गाइस एडमिशन एजेंट से संभालना है, करियर प्लानिंग खुद को करनी है, आपको गाइडेंस जितनी चाहिए उतनी मिल रही, बट यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च इन अ प्रॉपर वे, देन ओनली योर करियर विल बी प्लान्ड इन अ प्रॉपर वे। आई होप इफ यू आर इन इंडिया, इंडिया का एडमिशन तो पूरा का पूरा मेरिट के थ्रू है, प्राइवेट में जाना नहीं है, गवर्नमेंट में जाना है, सीटें करीब करीब 17-17 हज़ार सीट है और हर स्टेट में 85% to 50% का रेशियो है नेशनल पूल और स्टेट लेवल का पूल। गाइस इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज जनरल फंडास, ध्यान रखना ये कि मुझे लाइसेंस एग्जाम का तैयारी, चाहे मुझे इंडिया में हो, चाहे यूएस के लिए यूएसएमएलई हो, या चाहे मैं जर्मनी के लिए एफएसपी हो, आपको ऐसे लल्लू पंजू बहुत सारे ऐसे एजेंट मिलेंगे जो ऐसा बोलेंगे कि यूएसएमएलई के बिना आप यूएस में डॉक्टर बन सकते हो। ऐसे ऐसे एक कलाकार एजेंट है अपने इंडिया में, वो डॉक्टर क्या करते हैं, एमपीएच बनते हैं, मतलब क्या होता है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। वो डॉक्टर ही नहीं करते, वो एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं जो यूएसएमएलई पास नहीं करते। सो गाइस ऐसे ऐसे एक एक कलाकार हैं एजेंट जिसको कुछ भी नहीं पता एबीसीडी, और वो भी आके आपको यूट्यूब पे एडवाइस देंगे। आपको खुद के रिसर्च के ऊपर बेस करना है, लाइसेंस एग्जाम के बिना मेडिसिन में आपको इंडिया में नहीं अभी घुसने मिलता पीजी तक, या प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता, तो यूएस वगैरह की डेवलप कंट्री में तो कहां से मिलेगा यार, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, इंडिया है, अब्रॉड है, या कॉम्बो है, सब सिस्टम में तरीका एक ही है, पास थ्रू योर लाइसेंस एग्जाम। इंडिया में भी एडमिशन मिला तो मेरा सबसे पहला ड्यूटी है पीजी कहाँ करूंगा, इंडिया में करूंगा, यूएस में करूंगा, या जर्मनी, इसकी भी तैयारी आज हम लोग बताएंगे आपको। और ये अगर इंडिया में कर रहे हो तो एमबीबीएस के अंदर नेक्स्ट की तैयारी होगी।
मैंने पहले ही बताया था, अगर आप ये सोच रहे हो कि यूएसएमएलई करना है तो यूएसएमएलई की तैयारी एमबीबीएस के अंदर होगी पहले दिन से। गाइस पहले ही बताया था, आप रिफ्रेशर कोर्स ले लो स्कॉलरशिप एग्जाम में, ये लाइसेंस एग्जाम का पूरा तैयारी आपको फ्री में मिल रहा है। यू मस्ट टेक एडवाइजेस फ्रॉम द डॉक्टर्स हु आर जेन्युइनली एमडी फ्रॉम इंडिया, ओके, एंड टेक दोज एडवाइजेस इन द रिफ्रेशर कोर्स, अटेंड दोज लाइव क्लासेस लाइक दिस एंड अपियर फॉर स्कॉलरशिप टेस्ट टू विन योर एंटायर करियर। आपका जो करियर है वो विन कर सकते हो थ्रू स्कॉलरशिप टेस्ट, ओके। सो गाइज लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग द थ्री कोर्सेस? इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज, अब्रॉड में जैसे 15,000 स्टूडेंट जाते हैं हर साल, रशिया, चाइना, यूक्रेन, फिलीपींस, ये वो, बेलारूस, या कॉम्बो जो आधा इधर आधा उधर। अब मेरा ये पूछना है, कितने स्टूडेंट को 560 के ऊपर गारंटी है वो बोलेंगे मुझे इंडिया ही चाहिए। जितने स्टूडेंट को 560 से नीचे है, सोच समझ के इस सवाल का जवाब देना। आपका नेक्स्ट सवाल का जवाब आपके सामने धीरे धीरे सही तरीके से प्लानिंग शुरू हो जाएगा। टेक योर टाइम, रीड ऑल फोर क्वेश्चंस, चूज द राइट क्वेश्चन एंड यू आर गोइंग टू आंसर इट टू योर सेल्फ। आई विल शोकेस टू यू हाउ स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक एंड दे आर नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजंस बिकॉज ऑफ द रॉन्ग थिंकिंग दैट दे हैव। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सही तरीके से सोचना, तभी प्लान होगा आपका। आई एम हैप्पी दैट ऑलमोस्ट 70% हैव सेड ऑन द फर्स्ट शॉट दैट सर मुझे छोटा मोटा एमबीबीएस नहीं बनना, मुझे पीजी तक जाना है। पर वहां तक जाने के लिए आपका सही तरीके से सोचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम शेयरिंग इट विथ यू। आप देखते होंगे 38% ऑफ द स्टूडेंट से सर 560 का गारंटी नहीं है। ऑनेस्ट पीपल, दीज आर दोज ऑनेस्ट पीपल हु नोज, बिकॉज ये सवाल का जवाब मैं पढ़ भी नहीं सकता, मुझे सिर्फ परसेंटेज दिख रहे हैं। कितने लोगों ने ये जवाब दिया वही दिख रहा है गाइस। ये जवाब मुझे नहीं दे रहे थे आप, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट हाउ टू थिंक इट राइटली, ठीक है। तो 38% स्टूडेंट्स ने चूज किया है 560 से नीचे आएगा सर, मेरे पास दूसरा ऑप्शन ही है अब्रॉड का। 11% बोल रहे हैं कि यार मुझे अब्रॉड जाने को भी मना कर देंगे। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो, अब्रॉड का भी खर्चा, वैसे अब्रॉड में ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बट फिर भी वो भी ना हो मेरे पास तो मैं क्या करूं, मुझे डॉक्टर तो बनना ही बनना है, करेक्ट है। या ऐसा हो सकता है कि भाई ट्रैवल नहीं कर सकते आप लोग, कोरोना के अंदर में दे विल नॉट अलाउ यू टू ट्रैवल, पेरेंट्स वगैरह। या ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट बोले अभी तू छोटा है, अभी बड़ा हो जा पहले तभी हम आगे करेंगे, बराबर है, 2 साल रुक जा यहाँ पे। तो गाइज मेरा कहना ऐसा ही है कि आप लोगों को बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं ताकि जिसकी वजह से करियर बदल जाती है। सो ये वो 11% है जो बोलते हैं सर मैं कॉम्बो ले लूंगा, आधा इंडिया में कर लूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, पेरेंट्स को टाइम मिल जाएगा, पैसा जमा कर लेंगे, कोरोना भी उतर जाएगा, सब टेंशन फ्री, और बाकी आधा प्रोग्राम में बाहर कर लूंगा अब्रॉड में। तो ये कॉम्बो वाले हैं। अब्रॉड वाले रिपीटर्स जनरली होते हैं या नए वाले फंडा क्लियर होता है वो। और इंडिया में आपने देखा कितने परसेंटेज लोगों ने बोला, 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फील दे विल बी अबव 560। नाउ हियर इज समथिंग व्हिच इज दे आर नॉट वेरी ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। मैंने पहले ही बोला था 560 से ऊपर 3%, 2.2%, 3% भी छोड़ दो, 2.2% से ऊपर आ ही नहीं सकता है सैंपल। ऐसा हो नहीं सकता कि अभी 500 स्टूडेंट हैं उसमें से 25% को ऊपर आ जाए 560 के, पॉसिबल ही नहीं है बॉस, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर आप अपने आप से क्लैरिटी रखोगे, पेरेंट्स के साथ में बाजू में बैठ के उनके साथ में डिसीजन लोगे कि आज ये सिचुएशन है, इंडिया अब्रॉड और कॉम्बो, इसके बाहर कोई रिपीटर ही है सिर्फ, बाकी के सारे रिपीटर हैं, और जो वो है कॉम्प्रोमाइज वाले, डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदिक, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट में मिला ठीक है, प्राइवेट में मिलने से तो अच्छा है कि आप एमबीबीएस कर लो, ये वाला या ये वाला। आई होप यू आर गेटिंग दैट पिक्चर क्लियर।
इन दीज केसेस गाइस आपको समझना पड़ेगा इसमें 25% को नहीं मिल सकता, ठीक है? सो थिंक अबाउट इट, सिट विथ योर पेरेंट्स, थिंक थ्रू टुनाइट, शांति से सोचो एक्चुअल में कितना आने वाला है और उसके हिसाब से क्या राइट रास्ता है मेरे लिए, रोड मैप है। आर वी क्लियर अप टू दिस पॉइंट गाइस? कैन यू कम ऑन द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पैनल पे आओ और बताओ शैल वी गो अहेड विद अब्रॉड नाउ? इंडिया के बारे में क्लैरिटी है क्योंकि रूल बदल गया है पहले से, तो अब कैसे इंडिया में होगा? एडमिशन तो मेरिट के ऊपर ही होगा, बट आगे अपना जो लाइसेंस है वो तो पूरा अलग तरीका हो गया है अभी। आई होप दैट्स वेरी क्लियर अबाउट इट। मैं सभी लोगों को बता देता हूं, अगर आप रशिया जा रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट ने आपको बहुत अच्छी तरह देके रखा है कि यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट की जाती है। गाइस सिंपल है, रशिया जाना है नो प्रॉब्लम, सुपर पावर है, फालतू कंट्री नहीं जाना है, रशिया बढ़िया कंट्री है। एम्बेसी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिस है रशिया में, उन्होंने हमको हर बच्चे के लिए एडवाइस दी है, रेटिंग लिस्ट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन रशियन फेडरेशन। हम इंडियन गवर्नमेंट की एडवाइस तो 100% सही होगी, फालतू एजेंट लोगों की एडवाइस यूट्यूब पे ढूंढते हैं, उनके फालतू फालतू लेक्चर सुनते रहते हैं। गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ मेरी एडवाइस देने नहीं, मैं यहाँ पे आया हूँ आपकी प्लानिंग खुद आप कर सको उसके लिए, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ आपको, यूनिवर्सिटी का जो रेटिंग है यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी एम्बेसी के वेबसाइट के ऊपर प्लेस किया है, जो आप भी अभी ढूंढ सकते हो, सिर्फ टाइप करना है रेटिंग लिस्ट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन रशिया गिवन बाय इंडियन एम्बेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खत्म बात, गूगल कर लो, आपको यही पेज दिखेगा, वही किया मैंने अभी। तो वहां पे दो मिनिस्ट्रीज हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, उसके अंदर में जो यूनिवर्सिटीज हैं जो एमसीआई की अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जो उसका भी लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसी में रैंकिंग पूरी दे रखी है। कोई भी मिनिस्ट्री लो, आपको टॉप वाली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। संदीप आपका जवाब मैं दे रहा था इसलिए मैंने बताया, जाना है तो टॉप वाली कॉलेज में जाओ। आप कबारदिनो बोल रहे हो, ये आप देखो कौन से वाली यूनिवर्सिटी है, कबारदिनो दिख रहा है सबसे आखिरी वाला कॉलेज में, सबसे वर्स्ट केस में आप जाओगे कबारदिनो बल्गेरियन, बराबर है? जाना है इसमें, आप क्या बोल रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे जाओगे, या आप बोलोगे सर मेरे को टॉप वाली कॉलेज चाहिए, ये अगर मेरे बजट में आ जाए तो इसमें, या इसमें, या इसमें, या इसमें, करेक्ट है, गलत है या सही है संदीप? आपको फर्क क्या पड़ेगा? अगर आप फालतू कॉलेज में जाओगे तो आपकी करियर कैसे बर्बाद होती है वो मैं बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, ताकि आपको समझ में आए कि ये वेबिनार अटेंड करने से आपकी पूरी करियर बच गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसको इंडिया में नहीं मिलेगा सारे अब्रॉड या तो कॉम्बो में जाने वाले, सारे के सारे, कोई छोड़ता नहीं है, जिसके मन में डॉक्टर बनने का आ गया, ये सपना टूटना नहीं है। हमको कुछ कुछ भी नहीं बनना है लाइफ में तो बात अलग है, कुछ तो बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। गाइज द प्रॉब्लम विद दीज यूजलेस लो क्लास यूनिवर्सिटीज, कबारदिनो इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, देयर इज अ पब्लिसिटी इन इंडिया अबाउट इंग्लिश मीडियम कोर्सेज इन मेडिकल स्टडीज इन रशिया, दिस इज नॉट करेक्ट। मीडियम ऑफ एजुकेशन इन रशियन इंस्टीट्यूशन इज मोस्टली लोकल लैंग्वेज, बहुत कम स्पेशल लाइसेंस होल्डर हैं, वही यूनिवर्सिटी में जाओगे तो मिलेगा। हमने एम्बेसी को रिक्वेस्ट किया सर ऐसा मत करो, एमसीआई ने अप्रूव किया है 50 कॉलेज को, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। एम्बेसी ऑफ इंडिया बोलती है कि सर पूरा रशियन में सिखाएंगे, हमको बताओ कौन सी कॉलेज में जाए, हजारों लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कितने लोग सफर कर रहे हैं, क्यों नहीं बताते हमको? स्टूडेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पहले 3 साल इंग्लिश और फोर्थ ईयर से पूरा रशियन लैंग्वेज में सिखाया जाएगा, ऐसी कॉलेज में जाना है, या आपको सही सही एक इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जाना है। अगर इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जाना है तो एम्बेसी ने बोला, इसीलिए रेटिंग्स दिया है, टॉप में जाओ और एक एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो
और आप चेक करो कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सूट होती है। नीचे जाओगे, अल्ताई, वोल्गोग्रैड, बश्कीर, कुर्स्क, ये सब यूनिवर्सिटी में जाओगे। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आएगी, जैसे एजेंट आके बोलेगा कबार दिनो, बोलेगा त्वेर, बराबर है, निजनी, ये सब फालतू कॉलेज में जाना और अनुभव, क्यों जाऊं मैं, क्यूबन, ये सब एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखेगी। आपको देखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइस, उन्होंने क्या बोला है वो गलत नहीं हो सकता। एजेंट तो धंधा कर रहा है, उसका काम है पैसा निकालना आपसे, तो उसका सुनोगे या गवर्नमेंट ने अपने पेज के ऊपर डाल के रखा है उसका सुनोगे। आज मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं आपको बता देता हूं, अब्रॉड जो है ना, इसमें 450 यूनिवर्सिटीज एमसीआई ने अप्रूव की है, 400 कचरे में डालने लायक है, सिर्फ 50 जाने लायक है। सिर्फ आज का जो वेबिनार है ना, उसके बाद में आपका पूरा का पूरा अटेंशन अगर इंडिया में नहीं मिल रहा तो अब्रॉड का 50 पे जाना चाहिए, ये फालतू 400 पे मत जाना। ये ऐसे ही उल्लू बना के आपको पुश करके, ये लोअर लेवल की यूनिवर्सिटीज आपको पैकेजेस दिखा के, यार पढ़ाई में क्या पैकेजेस होता है यार, पढ़ाई कर रहे हैं हम, थोड़ी टूर करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं क्या, सब्जी लेने जा रहे हैं, हाउ कैन यू टॉक अबाउट पैकेजेस, इट्स नॉट देयर। इट शुड बी लाइक ट्यूशन फी इतना पैसा है, हॉस्टल का इतना पैसा है, बात खत्म हो गया। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। हाँ मेरा पैकेज है 22 लाख रुपया, ऐसा आएगा एजेंट, मेरा पैकेज है 15 लाख में डॉक्टर बनो, क्या बना, कैसे बनो, स्लोली एंड स्टडीली यू विल ऑल्सो स्टार्ट फाइंडिंग इट फनी, या डॉक्टर ऐसे पैसों से बन जाते हैं क्या, 15 लाख में डॉक्टर, 12 लाख में डॉक्टर, 20 लाख में डॉक्टर, दीज आर ऑल जोकर्स। आई विल टेल यू, इफ यू वॉन्ट टू चूज अ यूनिवर्सिटी, सेट योर ओन स्टैंडर्ड्स। ये जो 450 यूनिवर्सिटी है उसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी अप्रूव्ड है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अप्रूव्ड है। इसमें 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जो एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी है, जिसमें मेडिसिन सिखाने का 100 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी अप्रूव्ड है, और जिसमें 1 साल पुरानी कॉलेज है वो भी अप्रूव्ड है। कोई पूछ रहा था जॉर्जिया का, मैक्सिमम कॉलेजेस इस रेंज में पड़ता है, 1 से 20 साल तक का एक्सपीरियंस है उनको सिखाने में, और प्राइवेट कॉलेज भर भर के जॉर्जिया में है। बट एजेंट लोगों को जॉर्जिया बहुत पसंद आता है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अलग से कमीशन देता है, गवर्नमेंट कॉलेज देता नहीं है, तो क्योंकि वो नहीं देता है इसलिए वो बोलेगा अरे जॉर्जिया बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, ये देखो वो भी स्टूडेंट गया, वो ये नहीं बोलेगा देखो उसको भी मैंने उल्लू बनाया, उसको भी मैंने लूटा, वो नहीं बोले वो भी गया तू भी जा। गाइज यू हैव टू लर्न टू यू हैव बिकम स्टार्ट स्मार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, डू योर ओन रिसर्च, गेट द नॉलेज, गेटिंग यू नो यू डोंट हैव टाइम, दिस ईयर द प्रॉब्लम इज यू डोंट हैव टाइम। एवरी ईयर नीट हैपेंस इन मे, स्टूडेंट स्टार्ट देयर यू नो लर्निंग इन अक्टूबर, अप्रोक्सीमेटली देयर इनटेक स्टार्ट्स इन अक्टूबर, बहुत टाइम रहता है 5 महीने का। इस टाइम सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, नवंबर में तो बच्चे चालू हो जाएंगे। मोक्ष में करीब करीब 750 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो गए हैं कि सर मेरे को या तो अब्रॉड भेज दो या तो कॉम्बो में, टोटल मिला के 750 स्टूडेंट्स रजिस्टर हो गए। बोलते हमको रुकना नहीं है सर, हार्डली एनी टाइम लेफ्ट, यू पुट मी इन द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी और पुट मी इन सम अदर कंट्री, पुट मी इन दैट टॉप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इन दैट कंट्री और एल्स आई विल गो फॉर कॉम्बो, बट लेट मी हैव, आई एम वेरी क्लियर, दिस इज हाउ द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, पेरेंट्स आर टॉकिंग। गाइज इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क टू एक्चुअली टेक अ डिसीजन अबाउट योर करियर, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट वेन यू आर मिस इन्फॉर्म्ड, वेन यू आर गोइंग थ्रू प्रमोशनल मटीरियल्स एंड नॉट एक्चुअल materials given by the government of India. YouTube के ऊपर आके लोग टाइम पास करते हैं, उसके ऊपर अपना टाइम मत डालो। रास्ता सिंपल है, यू हैव वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसकी सारी कुंडली इसके अंदर भरी हुई है। यू आर वेरी क्लियर वॉट यू वॉन्ट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 80 to 100 years ऑफ एक्सपीरियंस विच हैज प्रोड्यूस्ड thousands of doctors in the past years, correct? चाहे वो abroad हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो सब कॉमन है, कॉम्बो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम, करेक्ट?
लेट अस सर्च, मैं देख रहा था आपको कैसे प्रमोशनल जो वीडियोस हैं कैसे हर्ट कर सकते हैं, आपकी करियर खत्म कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए मैं बार बार ये एजेंटों का नाम लेता हूँ कि संभालना उसी से है अगर आपको करियर बनानी है, बचना उन्हीं से है आपको, क्योंकि करियर खत्म वही करते हैं, ठीक है ना। छोटे मोटे एक आप सोचो आपकी करियर कितनी इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा आदमी जो एक शॉप खोल के बैठा है, दुकान खोल के 4 महीने के लिए खोलता है, बच्चों को भेज देता है और फिर बंद करके चला जाता है, पैसा साल भर का कमा लेता है आपसे, ऐसा आदमी आपकी करियर बना सकता है क्या? इट्स आवर करियर इज फार मोर इंपॉर्टेंट, इट नीड्स प्रॉपर नर्चरिंग, इट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग, इट नीड्स कोचिंग मटेरियल सो दैट आई कैन रीच अप टू पीजी, इट नीड्स प्रॉपर टारगेटिंग ऑफ माई, यू नो, मोटिवेशन चाहिए, 9 साल में साथ चाहिए। मैं YouTube पे देख रहा था, एक बंदा आया, मैं आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन और टू एग्जांपल सो दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली दैट यू नीड टू। कोई भी जॉर्जिया कोई पूछ रहा था, करेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है आप लोगों से, क्योंकि अभी कोई पूछ रहा था जॉर्जिया, कोई वीडियो देख के पूछ रहा था, कोई किसी एजेंट ने फोन किया होगा या SMS किया होगा, करेक्ट है, और आपने उठाया, MBBS की ग्रीड है, मन में नीड है, सर बन जाता हूँ, सर भेज दो जॉर्जिया, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो आप, मुझे अभी बताओ जो आपकी चॉइस बताई आपने गवर्नमेंट, वो इसमें फिट नहीं होती है। आपने बताया 100 साल पुराना, इसमें 1 साल पुरानी कॉलेज है। कैन यू बिलीव इफ आई टेल यू अराउंड 150 स्टूडेंट्स फ्रॉम कोल्हापुर एरिया, देर इज अ एजेंट इन कोल्हापुर हु फूल्ड दिस पीपल एंड पुट देम इन दिस सेम यूनिवर्सिटी, क्या बोल के पता है? देखो बहुत शांति से समझना कैसे उल्लू बनाते हैं। ये पहले MBBS जॉर्जिया में करोगे, फिर USA में अमेरिका में जाओगे और वहां से PG करोगे, इसलिए इसका नाम, ये गांव के बच्चे बच्चे को उल्लू बनाया, 3-3 लाख रुपया एक एक स्टूडेंट से लिया, आखिर में सारे बच्चे वापस आए, उनके ऊपर क्रिमिनल केस किया, भागता रहा, छुपका रहा, ये सब चलता है इंडिया में। अगर ये बच्चे अगर पहले रिसर्च कर लेते तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ये प्रॉब्लम है इंडिया में। आप अपना मन करे वो यूनिवर्सिटी चुन लो, आपको 25-30 साल पुराना तो कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं बना वहां पे, इतना फालतू कंट्री है ये। सो डू कैन यू इमेजिन योरसेल्फ, मैं आपको बताता हूँ ये होता है इंडिया में, क्योंकि एजेंट के ऊपर भरोसा करके अपने बच्चे की करियर रखते हैं पेरेंट्स, अपनी जिंदगी भर की कमाई देते हैं उसको। यूक्रेन का वीडियो देखा था मैंने, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूक्रेन या रशिया ही जाते हैं। देखो एक बात बताता हूँ मैं, चाहे 20 कंट्री में स्टूडेंट्स जाते हो, एक किर्गिस्तान ऐसी कंट्री है जहां पे गांव खेड़े के फार्मर्स के बच्चों को उल्लू बना के भेजा जाता है, जिसको जिसके पेरेंट्स एडुकेटेड नहीं है, बस भरोसे पे बेचारे आस लगा के बैठे मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, उसको लूट लेते हैं वो सारे किर्गिस्तान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र का इंटीरियर, हैदराबाद का इंटीरियर, राजस्थान का इंटीरियर, ये सारे किर्गिस्तान भेज देते हैं। बड़े सिटीज से किसको उल्लू नहीं बना सकता, ऐसे फालतू कंट्री में कौन जाएगा, जॉर्जिया में कौन जाएगा आज के दौर में, वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे इंग्लिश कोई बोल नहीं सकता है, छोटा सा कंट्री है, इट वॉज अ पार्ट ऑफ रशिया, रशिया में ना जाऊं, जॉर्जिया इज अ वेरी स्मॉल मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ रशिया। यूक्रेन में मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं, एजेंट आके बोलता है तरास वहां का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है, मैंने भी वो वीडियो देखा एक बार, मैं बोला यार ये यूनिवर्सिटी अच्छी दिख रही है, 1833 की यूनिवर्सिटी, कैन यू इमेजिन, आप विकिपीडिया कर लेना, 187 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, इट हैज टू बी गुड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यूक्रेन हैज गॉट फैंटास्टिक यूनिवर्सिटीज, दिस इज हाईली रैंक्ड। तो वहां पे वो एजेंट आया, स्टूडेंट को बोला कि बहुत अच्छा अच्छा बोल, बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ये है वो है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, कीव में है, कैपिटल सिटी में है, तरास वहां की रैंक यूनिवर्सिटी है। मैंने बोला भाई मेडिसिन कब से सिखा रहे हो, वर्ल्ड डायरेक्टरी पे से ढूंढना चालू किया, अब देखना इसका हालत, 1833 की यूनिवर्सिटी है, मेडिसिन सिर्फ 2 साल पहले सिखाया था, चालू किया था, आज तक एक भी डॉक्टर नहीं बना इसमें से, ये ऐसे उल्लू बनाया जाएगा। डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ एजेंट्स एडवाइस और डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ न्यूट्रल रिसर्च, दिस इज हाउ यू डू एंड फाइनलाइज योर यूनिवर्सिटी। अगर आपको किसी भी बच्चे को कभी भी मोक्ष का सर्विसेज चाहिए, एडवाइस चाहिए, आंख बंद करके मोक्ष16.com पे चले जाओ, चैट कर लो,
बात खत्म, वहीं पे जवाब मिल जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सामने लिंक दे देगा, पढ़ लो खुद ही और खुद ही डिसाइड कर लो क्या होता है।